यार पीछे पकड़ा हो, जरा हट जा। अब सांस में सांस आई। दोपिंदर पूल डेड। सेंटा क्लॉस जैसा लाल सूट पहन के क्यों घूम रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है दोपिंदर, और मैं कुछ चूतियों को चूसने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ टॉप 6 बेस्ट मूवीज ऑफ रैन रेनॉल्ड्स की, जो तुम्हें हिंदी में देखने मिलेगी। तुम लोग ने डेडपूल के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ये वही बंदा जो डेडपूल का रोल प्ले करता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, तो इसको आखिर तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आपका कीमती समय बचा कर। बिल्कुल वक्त नहीं, वैसे भी किसी को चोट नहीं लगने वाली। लॉरा ये मैं। हाय, तुम अपने आप से क्यों मिले एडम? तुम हमेशा कहती थी ना कि काश तुम मुझसे पहले मिली होती, तो लो मिल लो। हाँ। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। ये मूवी आई थी 2022 में। इसमें तुमको देखने मिलेगा एक कहानी एक टाइम ट्रेवलिंग फाइटर पायलट की, जिसका रोल प्ले करा है रैन रेनॉल्ड्स ने, जो अपने टीनेज सेल्फ से मिलने का ट्राई करता है। एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसमें तुमको देखने मिलेगा एक्शन, कॉमेडी और इमोशन। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार जाके मूवी आप देखें। चिल्लाने के लिए सॉरी। खैर, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है अंडरग्राउंड 6। ये मूवी आई थी 2019 में। इसमें तुमको देखने मिलेगा एक कहानी एक ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एजेंट्स के बारे में, जो कि एक डेंजरस मिशन पर जाते हैं। अगर तुम्हें एक्शन मूवी देखना पसंद है, तो तुम्हें डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए। पेंटिंग चुराई थी? क्या सबूत है कि मैंने चुराई थी? ये ऑनलाइन खरीदी थी। और आज के चौथे मूवी का नाम है रेड नोटिस। ये मूवी आई थी 2021 में। इसमें तुमको देखने मिलेगा एक कहानी है बेसिकली तीन लोगों के बारे में। पहला है एक इंटरपोल का एजेंट, और दूसरा है एक चोर, और तीसरा है एक कॉमन मैन। एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके मूवी आप देखें। तेरी माँ की। इस कमीने ने 27 बार मुझे मारने की कोशिश की थी, नहीं 28। आज के तीसरे मूवी का नाम है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड। ये मूवी आई थी 2017 में। इसके अभी तो दो पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट आया था 2017 में द हिटमैन्स बॉडीगार्ड नाम से, और दूसरा पार्ट आया था 2021 में द हिटमैन्स वाइस बॉडीगार्ड नाम से। इसमें तुमको देखने मिलेगा एक कहानी एक बॉडीगार्ड की, जिसका रोल प्ले करा है रैन रेनॉल्ड्स ने, जो एक नोटोरियस हिटमैन जैक्सन नामक एक आदमी को बचाने का काम करता है। इस मूवी में फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा से भरपूर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके मूवी आप देखें। आज कुछ नया करते हैं। हाय, गाय क्या कर रहे हो? तुम खिलाड़ी नहीं हो बे? शायद अब से मैं हूँ। और आज के दूसरे मूवी का नाम है फ्री गाय। ये मूवी आई थी 2021 में। इसमें तुमको देखने मिलेगा एक कहानी एक वीडियो गेम करेक्टर गाय के बारे में, जो रियलाइज करता है कि वो एक गेम करेक्टर है। उसकी जर्नी में कॉमेडी, एक्शन और एडवेंचर से भरी है, जब वो गेम से बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके मूवी आप देखें और इन्जॉय करो। इस गांडू को कहीं देखा? एक मिनट, एक सेल्फी ले लूं। और आज के पहले मूवी का नाम है डेडपूल। ये मूवी आई थी 2016 में। इसके अभी तो तीन पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट आया था 2016 में डेडपूल नाम से, और दूसरा पार्ट आया था 2018 में डेडपूल 2 नाम से, और तीसरा पार्ट आया था 2024 में डेडपूल एंड वुल्वरीन नाम से। ये मूवी पिछले महीने 26 जुलाई को आई थी। इसमें तुमको देखने मिलेगा एक कहानी है वेड विल्सन नामक एक आदमी की, जो कि एक क्राई का गुंडा होता है, जो कि बुरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों की मदद करता है। फिर एक दिन उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे उसको बहुत सारी ताकत मिल जाती है, पर वो डेडपूल बन जाता है। वो फिर से पहले जैसा हो पाएगा या नहीं, और जिसने उसके साथ ऐसा किया है वो उन लोगों से बदला ले पाएगा या नहीं, ये सब आपको मूवी में देखने मिलेगा। तो जाकर मूवी को देखो और एंजॉय करो। पंजा नुन्नू के साइज का हो गया है, उम्र के साथ केले की मूंगफली हो ही जाती है। तू पछताएगा। अपनी कांड से सोचना बंद कर, वरना दिमाग में छेद कर दूंगा। चल मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात, मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के ऊपर ही बात करी इस चैनल पे, तो जाकर वो वीडियो देख लेना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे बाकी के वीडियो देखो और इन्जॉय करो। बाय।